जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है दिनेश और लास्ट वाली वीडियो पे दोस्तों हमने पोको F1 पे विंडो 10 जो है कंप्लीट इंस्टॉल करके आपको दिखाया था, कंप्लीट बूट करके। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस यहाँ पे बूट है विंडो 11 पे। तो यहाँ पे दोस्तों माउस कीबोर्ड जो है प्रॉपर काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी टच जो है वो काम नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम फिक्स करने वाले इसका टच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको वो फाइलें चाहिए जो आपको जो है टच फिक्स करने में यूज़ होगा। तो जिस टाइम दोस्तों हमने विंडो इंस्टॉल किया था, उस टाइम मैंने आपको यहाँ पे एक फाइल जो है मूव कराया था MNT पार्टीशन पे। तो वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे जाना होगा दिस PC पे और ये रहा हमारा MNT पार्टीशन। तो वो है दोस्तों, ये है देख सकते हो बेरिलियम 2246 × 1080 फोकल टच फिक्स, कुछ इस तरीके से एक रजिस्ट्री फाइल है जो मैंने आपको मूव कराया था साथ में। तो आपने ये मूव किया होगा। तो सबसे पहले हमें डिवाइस को कर लेना है पावर ऑफ। तो इसके लिए मैं सिंपली इसे शट डाउन करूँगा। ओके, तो ये हो गया शट डाउन। अब डिवाइस को लेके जाना है हमें फास्ट बूट मोड पे। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन एक साथ प्रेस करना है। और ये डिवाइस आ गया फास्ट बूट मोड पे और सिंपल से हमें इसको कनेक्ट कर देना है PC से। अब PC पे आपको कहीं पे भी एक CMD ओपन करना है, यानी कि कमांड विंडो। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ CMD। यहाँ पे आपको दोस्तों ये वाली फाइल जो है फ्लैश करनी है, देव देख सकते हैं यहाँ पे, देव ब्रिलियम फिक्स TS का। तो ये वाली फाइलें हमें जो है यहाँ पे फ्लैश करना है। उसके लिए दोस्तों आपको टाइप करना होगा यहाँ पे फास्ट बूट फ्लैश देव CFG, उसके बाद अंडर स्कोर A, उसके बाद स्पेस देना है और इस वाले फाइल को यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, उसके बाद इंटर कर देना है। तो देख सकते हो ये हो गया। उसके बाद एक और कमांड डालना है फास्ट बूट फ्लैश देव CFG, उसके बाद अंडर स्कोर और B, यहाँ पे B डालना है और इसी वाले फाइल को यहाँ पे फिर से फ्लैश करना है। तो जो देव CFG पार्टीशन है इसका, यहाँ पे दो पार्टीशन है, ए वाला और बी वाला। तो हमें दोनों पार्टीशन पे इसे फ्लैश करना है। तो दोस्तों ये हो गया फ्लैश। और तीसरा है दोस्तों, आप जब भी विंडो इंस्टॉल किए उस टाइम पे आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग ये वाली फाइल जो है चूज़ करना था, जो विंडो की बूट फाइल है UEFI फाइल देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये FTS पैनल के लिए था और ये जो है NVT पैनल के लिए है। तो अगर आपने फ्लैश नहीं किया था तो अब अभी के टाइम पे आप इसे फ्लैश करते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा फास्ट बूट फ्लैश बूट, उसके बाद इस वाले फाइल को जो है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कौन सा आपका है। तो मेरा NVT है तो यहाँ पर मैं NVT वाला ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके बाद इंटर कर देना है। ये हो गया। अब यहाँ पर टाइप करना है फास्ट बूट रिबूट, इतना करते ही आपका डिवाइस जो है रिबूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे न्यू UEFI बूट मिलेगा जो कि हमने अभी यूज फ्लैश किया है। हालांकि ये वाला मैं पहले भी यूज़ कर रहा था जब मैंने इंस्टॉल करके दिखाया था। तो ये ऑटोमेटिक बूट होगा देख सकते हो, आप चाहे तो मैन्युअली की का प्रेस करके भी कर सकते हो। ओके, तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीट बूट हो गया। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे डिवाइस जो कंप्लीट बूट हो गया, पर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो टच जो है अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो इसका कारण यह है दोस्तों कि हमें एक फाइल अभी भी बाकी है जिसको हमने अप्लाई नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ अपना माउस।
तो वो कौन सी फाइल है? तो वो है दोस्तों हमारी रजिस्ट्री की फाइल। अरे भाई वेक हो जाए स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टच अभी भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ से हमको फाइल पे जाना है, और जहाँ पे हमने रजिस्ट्री वाली फाइल रखी थी MNT पार्टीशन पे, वहाँ जाना है। और देख सकते हैं यहाँ पे बेरिलियम 2246 × 1080, ये वाले पे आपको डबल क्लिक करना है, और यहाँ से आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको यस करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्री जो है दोस्तों वो सक्सेसफुली एडेड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है, और इसको विंडो कर देना है कट। और अब आपको अपना जो विंडो है उसे एक बार फिर से आपको रीस्टार्ट करना है। तो इसको रीस्टार्ट करते हैं। अब ये है OTG है, इसको भी हटाते हैं। और अब होगा दोस्तों जादू इसका। तो पहले बूट होने देता हूँ मैं इसे। ओके, ये आ गया बूट स्क्रीन। तो यहाँ आप देख सकते हो बूट पे है, तो पावर बटन आप दो बार प्रेस कीजिए या फिर आप वेट कीजिए, ये 10 सेकंड में ऑटोमेटिक बूट कर देता है। तो देख सकते हो डिवाइस जो है कम्प्लीट बूट कर गया है विंडो पे। और अब देखते हैं दोस्तों टच स्क्रीन का जादू चला कि नहीं चला है। तो सिंपल से मैं यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टच है वो कम्प्लीट अच्छी तरीके से अब काम करने लग गया है। तो चलिए हम अपन यहाँ पे कीबोर्ड जो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भाई कोई कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा शायद सेटिंग पे। और भाई कीबोर्ड वगैरह कहाँ है? तो कीबोर्ड वगैरह दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी यहाँ पे टच जो है वो फिक्स हो चुका है। भाई कहाँ लटक गए? ओके, तो ये क्या निकला? पोको F1 देख सकते हो यहाँ पे। ओके, कहाँ पे यार टच होगा? ये विंडो तो ओपन क्लोज हो रहा है। तो दोस्तों ये थी टच फिक्स की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में।